हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल एंड मैथ मैजिक बाय डीडी सर ऑन फेसबुक पेज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बिफोर दैट वी टोल्ड टू सी द फुल वीडियो अप टू एंड, बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया, अगर आप फॉरवर्ड करते रहेंगे तो आपको जो एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल इफ यू आर फॉरवर्डिंग द वीडियो और डू नॉट व्यू एट द एंड। तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि सभी ने आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 1.1, हमारा चैप्टर जो चल रहा है मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर एंगल चल रहा है। तो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 हम आज देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। ऑलरेडी पीछे वीडियो मैंने यहाँ पे दिया है कि इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस टर्म ऑन द फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो आपको अगर नहीं आपने देखा होगा तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, तो आई बटन में आप स्क्रीन को टच कीजिए और आई बटन में जाके आप वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे, ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द विच ऑफ द पेयर ऑफ एंगल, determine which of the pair of angles are coterminal। तो ऑलरेडी मैंने बताया coterminal, what is coterminal? coterminal मतलब क्या होता है, it is the integral multiple of 360 degree और sum or difference of 360 degree। मतलब क्या है, example हम देखेंगे। तो first example है हमारा, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हमारे पास पेयर दी हुई है 210 डिग्री एंड सेकंड है 150 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें पूछा गया डिटरमाइन विच ऑफ द पेयर, मतलब ये पेयर जो दी है हमारे पास एंगल की, को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए हमें दो एंगल की जरूरत है। तो यहाँ पे टू एंगल दिए हुए हैं 210 डिग्री एंड एक वन है और -150 डिग्री दूसरा एंगल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये को टर्मिनल एंगल है कि नहीं ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सीधा एक ट्रिक बताते हैं आपको। सिर्फ आपको क्या करना है, 210 डिग्री हमें या दोनों की सब्ट्रैक्शन करना है, तो -150 डिग्री, ठीक है। तो -210 डिग्री -150 डिग्री मतलब यहाँ पे हो जाएगा 210 डिग्री -- +150 डिग्री, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 06 एंड 360 डिग्री। मतलब ये क्या हो गया, दैट इज 1 × 360 डिग्री। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, विच इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर दिस पेयर ऑफ एंगल इज कोटर्मिनल, दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज को टर्मिनल, ठीक है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, सिर्फ अगर ये दोनों की सम डिफरेंस अगर 360 डिग्री के मल्टीपल में आता है तो ये गिवन एंगल क्या है, को टर्मिनल एंगल है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे वहां पे, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास 360 डिग्री कॉमा -30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है सोल्यूशन में, तो 360 डिग्री -30 डिग्री, तो ऑलरेडी माइनस था, माइनस प्लस होगा, तो क्या होगा 360 माइनस प्लस मतलब 390 डिग्री। ये क्या है, ये विच इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, देयरफॉर ये 360 के टेबल में नहीं है और 360 पे मल्टीपल भी नहीं है, तो क्या होगा, देयरफॉर विच इज नॉट को टर्मिनल। यहाँ पे आपको सीधा लिखना है को टर्मिनल, ठीक है। ये ऐसा एक एक दो दो मार्क के लिए क्वेश्चन है, 11 क्लास में आप है तो अच्छी तरह से। मैंने क्या बताया यहाँ पे, अगर दोनों की सब्ट्रैक्शन 360 डिग्री के मल्टीपल आती है तो आपको लिखना है को टर्मिनल, अगर नहीं आती है 360 के टेबल में नहीं है, 360 के ज्यादा नहीं है, तो ये हो गया नॉट को टर्मिनल, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास
थर्ड एग्जाम्पल चल रहा है हमारा, ओके। थर्ड एग्जाम्पल है 860 डिग्री एंड 580 डिग्री, ठीक है, 860 डिग्री एंड 580 डिग्री। तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ पे इतना है 860 डिग्री माइनस माइनस 580 डिग्री, सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, नहीं डाला तो चलेगा, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 860 माइनस 580, तो हमारे पास आएगा 280 डिग्री, ओके। 280 डिग्री विच इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री ये नहीं है, तो देयरफॉर क्या होगा, नॉट को टर्मिनल आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देखेंगे फोर्थ, ठीक है, हमारे पास दिया है 900 डिग्री कॉमा माइनस 900 डिग्री, ठीक है, दोनों 900 है माइनस है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, 900 डिग्री हमें सिंपली क्या करना है, माइनस 900 डिग्री, ठीक है। तो क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या होगा 1800 है, ठीक है, 1800 डिग्री विच इज 89 डिग्री, मतलब 5 इंटू अगर हम 360 करेंगे, मतलब 360 के टेबल में आता है, 360 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आता है, मतलब क्या होगा, देयरफॉर व्हिच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ठीक है, ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल्स आर को टर्मिनल, ठीक है। तो एंगल्स क्या हो गई, ये को टर्मिनल, इस प्रकार हमने को टर्मिनल एंगल को डिटरमाइन करना है। तो क्या गया, हमने सिर्फ यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की, अगर सब्ट्रैक्शन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आती है तो भी गिवन एंगल आर द को टर्मिनल एंगल, ओके, आपको अच्छी तरह से याद रखना। और भी एग्जाम्पल है, आपने हमने यहाँ पे चार एग्जाम्पल लिए हैं, और भी एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज से सॉल्व करते हैं। इसके बाद में देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ड्रॉ द एंगल ऑफ द मेजर एंड डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, ओके। तो हमें क्या करना है, एंगल ड्रॉ करना है और कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं तो ये हमें बताना है, ओके। तो क्वाड्रेंट हमें बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, तो यहाँ पे पहला जो एंगल है हम लेंगे यहाँ पे -140 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करूंगा, एक एक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन चार एग्जाम्पल हमारे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो एंगल है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है और उसको ड्रॉ करके बताना है। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स लूंगा, उसको आप स्केल की अच्छी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। अभी हमें क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स ये क्या है, वाई है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, मतलब ये अभी हमें एंगल दिया है 140 डिग्री, -140 डिग्री, हमें क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है पहले। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये निगेटिव एंगल है तो निगेटिव एंगल होगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज मतलब इधर से ऐसा जाएगा, तो 140 है मतलब यहाँ से आता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे है 90, यहाँ पे है 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे है 270 डिग्री, मतलब हम उसको अगर यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ आएगा 90, मतलब क्या आएगा, 90 से लेकर अगर ये जा रहा है तो 90 प्लस कितना होगा 60, तो यहाँ तक वो एंगल आएगा, तो हमें यहाँ तक उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 140 डिग्री, मतलब क्या हो गया, ये एंगल 0 से स्टार्ट हो गया तो कहाँ पे आ गया, 140 हो गया, ठीक है, मतलब 90 प्लस कितना लेंगे हम, 90 प्लस 50, मतलब यहाँ पे 140 डिग्री हो गया, ठीक है, -140 डिग्री। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है, नीचे से यार निगेटिव, इसलिए नीचे से लिया मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया हमारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, सिर्फ आपको ये गेस करना है, ठीक है, दिखाई ड्रॉ करना है और मेजर करना है इन विच क्वाड्रेंट। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास 250 डिग्री, ठीक है,
250 डिग्री वाला। फिर से एक बार हम एक कॉर्डर निकालेंगे, एक्स वाई कॉर्डर एक्सिस, यहाँ पे है एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे एक डैश। अभी 250 डिग्री है, 250 डिग्री क्या है, ये पॉजिटिव एंगल है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा हमारा, ऐसा अगर हम राउंड मारते हैं तो यहाँ पे आएगा 180, 180, और यहाँ पे कितना है 270, मैंने यहाँ पे बताया, तो 270 से कम है वो 20, तो क्या यहाँ पे आएगा, ये यहाँ तक आएगा सपोज, तो हम यहाँ पे उसको ऐसा एक ड्रॉ करते हैं लाइन, तो यहाँ तक आ जाएगा वो, ये हो गया 250 डिग्री, ठीक है। 180 प्लस कितना हो जाए आपने को अभी 70, ठीक है, 180 प्लस 70, ये 250 डिग्री वाला एंगल हो गया। कौन से क्वार्टर में आया ये भी, ये भी थर्ड क्वार्टर में आया, ठीक है, तो एंगल इन थर्ड क्वार्टर, ठीक है, थर्ड क्वार्टर में आएगा ये भी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास 750 डिग्री, 750 डिग्री आपको उसको ड्रॉ करना है, सिंपली ड्रॉ करने को बोला है, एक आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है, ऐसा दो दो मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो 750 डिग्री हमें काउंट करना है, एक एक्स अक्ष, वाई डैश, एक्स डैश, ओके, तो 750 डिग्री है, तो हमें यहाँ से ये पॉजिटिव एंगल है, तो हम काउंट करेंगे जीरो से, काउंट करेंगे मतलब एंटी क्लॉक वाइज पूरा, अगर हमने राउंड मारा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 360, ओके, 360 हमारे पास आ गया है, 360, तो 750 में से अगर 360 गए तो कितने रहते हैं, जीरो, यहाँ पे 15 में से 6 गए, यहाँ पे 9 रहेंगे, और एक का कैरी किया नीचे, तो क्या भी रहेगा 4, मतलब 390 और रहने वाला है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये और एक राउंड मारेगा ऐसा, ठीक है, 360 प्लस 390, मतलब ये और एक राउंड मार के यहाँ पे आ गया, और हो गया 360, मतलब 360 प्लस 360 हमारे पास हो गया 720, 720, और कितना चाहिए हमें, और चाहिए हमें 30 डिग्री, मतलब यहाँ तक जाएगा वो 30 डिग्री, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम उसको एरर करते हैं, यहाँ तक वो खत्म हो जाएगा, मतलब ये 30 डिग्री सपोज, तो यहाँ पे 750 डिग्री का एंगल ये पूरा हो चुका है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है माइनस 820 डिग्री, -820 डिग्री है, ठीक है, तो और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालेंगे हम, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस निकाला हमने, हाँ अभी दिख रहा है, तो माइनस है एक्स एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ए एक्स डैश और ये वाई डैश है, तो माइनस से मतलब क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा कि क्लॉकवाइज, तो ये होगा क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ पे राउंड मारेंगे, ये होगा पहला राउंड हमारा, इधर से चल रहे हम, ये हो गए 360, ठीक है, और एक राउंड मारेंगे, 360 प्लस 360 हो गए 720, ठीक है, अभी 360 प्लस यहाँ पे लिखा मैंने 360 प्लस 720, अभी 820 से 720 अगर निकाल लेते हैं तो कितना रहेगा 100, ठीक है, 100 मतलब और हो गया हमारे, यहाँ पे होगा 90, और यहाँ पे होगा और एक 10 एंगल, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे लाइन, तो यहाँ तक वो खत्म हो गया, ये कौन से क्वार्टर में आया, थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, तो ये एंगल जो है हमारा -180 डिग्री, -820 डिग्री, ये आ गया हमारा थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, थर्ड क्वार्टर, तो ये हमें अच्छी तरह से उसको, और भी एग्जाम्पल दिए एक्सरसाइज में, तो ये चार एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए, अगर आपको, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे, अगर आए होंगे तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भेजिए, और सब्सक्राइब और लाइक करना भूलें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।